लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन है भाई। कहता है ये डायग्राम, एक क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो ना, बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ो, शायद ही कोई बच्चा होगा जो नीट की तैयारी कर रहा है और सब कुछ पढ़ चुका है, इस क्वेश्चन को ना कर पाए। ये बहुत ही आसान है, डीमोटिवेट नहीं होना यार, ऐसा मैं बोलता हूँ, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो। द डायग्राम शो गिवन, चार इक्विपोटेंशियल डायग्राम दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाता हूँ, चलो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ये यहाँ है, बी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, ठीक है। ऑल द फोर केसेस द वर्क डन इज सेम, क्या वर्क डन सेम होगा, तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज को ए से बी तक ले जाओगे, हम सबको पता है कि चार्ज को मैं यहाँ से दिल्ली से मुंबई ले जाऊँ और फिर मैं दिल्ली से लंदन फिर मुंबई ले गया, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन सेम होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही चार्ज है तो उस पर चार्ज क्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस में ले लूँ। हर पॉइंट पे देख रहे हो, ये 10 वोल्ट पे है या 40 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है या 40 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है ये 40 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है 40 वोल्ट पे है, तो हर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 40 माइनस 10 मतलब 30 है, तो 30 की वर्क डन होगा जो कि सेम है, हर केस में वर्क डन सेम होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। वर्क डन मिनिमम इन फर्स्ट केस बिल्कुल गलत, मैक्सिमम इन सेकेंड केस, ये बिल्कुल गलत बात है। चलो